काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ है भाइयों, CSK वर्सेस KKR। KKR ने अपने इस मैच के रन पिछले मैच में ही जो बना दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था द लॉर्ड द गॉड ऑफ बॉलिंग तुषार देशपांडे उन्हें स्कोर करने ही नहीं देंगे। इतना बोरिंग मैच हुआ है, मुझे क्या पता था कि जयशाह भाई संडे की जगह मंडे को छुट्टी ले लेते हैं। ये पहला मैच हुआ है जिसके हाईलाइट में भी हमें केवल सिंगल और डबल देखने ही मिले। अरे KKR की बैटिंग देख के तो डैरिल मिचेल भी जमीन पर बैठ गया बाबू भैया बन के। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई साहब, हम लोग अभी तक जिस चीज का मजाक उड़ाते थे, हम लोग मजे लेते थे और जिस पर आज तक मीम्स बनते थे, कल उसको DJ ने चेन्नई के ग्राउंड में सच कर दिया। माही भाई हमारे कीपिंग कर रहे थे, DJ ने वो अलग गाना बजा दिया, बोले जो कोयल पगला गए हो क्या। माही भाई ने इसको इशारा किया आंखों आंखों में, DJ बाबू जरा बाद में मिलना, तो मैच के बाद आपको कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। ये वीडियो तुमको पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, @tanay100 डालना, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हो। माही भाई का क्रेज देखो भाई, तुम चेन्नई में जब बैटिंग करने आए इतना शोर हुआ कि आंद्रे रसेल को अपने कान बंद करने पड़ गए। रसेल भाई फिर जब आप बैटिंग करने आए थे तो दोनों हाथ कान से तो हटा लेते, हमारे रसेल भैया ने कान बंद किए थे, और हमारा जो इस मैच को देख के आंखें बंद हो रही थी ना, वो एक सीन को देख के फटी की फटी रह गई। देखो रियान पराग, पृथ्वी शॉ फॉर्म में आ गए, RCB वुमेन्स ट्रॉफी ले गई, कोहली गंभीर भाई गले मिल लिए, ये सब चीजें भी हमने अपनी अंतरात्मा को बोल के समझाई कि नहीं नहीं बेटे, होता है ऐसा, पॉसिबल होता है, ये हुआ है, ये रियलिटी है, इसको रियल मान लो। उतने में ये हो गया, मैं बता रहा हूँ ये साल जो सरप्राइजेस हमें मिल रहे हैं ना, ये कई कई सालों तक इसके चर्चे होंगे मित्रों। ये सब लवी डवी मोमेंट देख के फाफ डुप्लेसिस भाई को अपने पुराने CSK वाले दिन याद आ गए। इंस्टाग्राम CSK के इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहे हैं, निकालो मुझे वहां से। माही भाई से हमारे कल एक कैच छूटा और फैंस ने उस कैच को ऐसा इग्नोर मारा है, और ये नजारे कितने कम ही देखने मिलते हैं। माही के हाथ से कैच छूट चुका है, अरे वो देख अंडे वाला बर्गर। गर्मी बहुत हो गई है यार आजकल। अरे धोनी के हाथ से कैच ड्रॉप। कल किसका मैच है सुना, हैदराबाद पंजाब का मैच है और पंजाब भागी गया, ग्राउंड में आने को तैयार ही नहीं हो रहा, बोल रहा हैदराबाद वाला मैच स्किप कर दो भैया। और ये धोनी बैटिंग पर आ गए, कहां है माही, कहां है माही, देख 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 साले, अब सुन लिया एक बार में, ये कैच ड्रॉप देख के आशु भैया ने हमारे बोला शिट, काश उस टाइम में ग्राउंड में होता और मैं अपना वो वाला फेमस डायलॉग रिलीव कर पाता। KKR के पास इतने ज्यादा बैट्समैन है भैया, कल इनके 5 विकेट डाउन हो गए थे, रिंकू सिंह श्रेयस अय्यर उस टाइम क्रीज पर थे, उसके बाद भी ये लोग इंपैक्ट प्लेयर मनीष पांडे को लाने की तैयारी कर रहे थे, और 9th नंबर पे आंद्रे रसेल था। अब जिसका 9th नंबर का बैट्समैन आंद्रे रसेल हो भाई साहब, वो 140 से कम स्कोर कैसे कर सकते हैं। गंभीर ने BJP छोड़ी थी ना, अब बताता हूँ इसे, गोती भाई वेरी डेंजरस, अगर आज गंभीर और धोनी की चुम्मी करवा दो भाई, लग तो यही रहा था। माही भाई भी सोच रहे थे ये गंभीर क्यों चलते हुए आ रहा है मेरी साइड, भाई गंभीर भाई ये लो यार वर्ल्ड कप का क्रेडिट ले लो भाई प्लीज भाई, आखिर हूँ तो मैं बॉलर ही, कितना ही खेलूंगा। नरेन भाई एक कंधा पकड़ के खेल रहा था बेचारा, इंजरी हो गई थी फिर भी इसका विकेट नहीं ले पा रहे थे थोड़ी देर तक, नरेन ने बोल दिया था भाई कंधा आज खराब है, पिछली बार जैसी इनिंग्स नहीं खेल पाऊंगा। KKR वालों ने बोला नहीं यार भाई, हम तो तुम ही पे डिपेंड कर रहे थे। RCB दिल्ली कैपिटल चेन्नई चल निकल, एक ओवर में ही डेल स्टेन का बाप, दूसरे ओवर में डिंडा एकेडमी का हेड, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, या तो तुषार भाई हमारे एक या दो रन देते हैं ओवर में, या फिर सीधे 20 के ऊपर। CSK वर्सेस KKR ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा ये। अय्यर भाई ने टॉस के टाइम पे बोला था हम एग्रेसिव क्रिकेट देखना चाहता हूँ, अय्यर भाई वो पैट कमिंस बोल चुका है सबको पता है, टिफने से कुछ नहीं होगा सबको पता चल जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ बिकम्स द फर्स्ट CSK कैप्टन इन 5 years टू स्कोर IPL 50, हाला अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। SRK टू स्टार, मेरा पैसा दे रे बाबा, वो तो मैं था गया ले। गौतम गंभीर आफ्टर हगिंग MS धोनी आफ्टर द मैच, दैट विलन लुक ब्रो। माही भाई आपसे मिलके तो बहुत खुशी हो रही है माही भाई, माही भाई जो बताया था वो याद आ गया। कौन हंस रहा है भाई ये बदतमीज। कंट्रोवर्सी व्हेन ऋतुराज गायकवाड़ मेंटेन्स अ स्लो स्ट्राइक रेट, विराट कोहली मेंटेन्स अ स्लो स्ट्राइक रेट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है ना भाई उनके पिछले मैच के स्ट्राइक रेट देख लो तुम। गंभीर वेटिंग फॉर KKR प्लेयर्स इन अ ड्रेसिंग रूम विद अ चप्पल, आओ बहुत प्यार जताऊं। मैच समरी ऑफ CSK वर्सेस KKR, बोले जो कोयल भागो में, सही में बजा दिया था भाई, मजाक नहीं रहा अब ये। धोनी कमिंग अहेड ऑफ जड्डू अगेंस्ट गौतम गंभीर टीम, भाई 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 मेरा माल गौती भाई के सामने तो आना ही पड़ेगा ना। मी हगिंग
फकिंग माय गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड ट्रू 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 ब्रो ट्रू सेम एनर्जी गंभीर विद केकेआर प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम मारने की आवाज दर्द भरी चीखे यही हुआ होगा गौती भाई देखना थोड़ा हल्के हाथों से पहले ही मैच आ रहे हैं कोई ना जडेजा आप अमेरिका आ सकते हैं यार वो दुबे जी को भी ले चलो यार मैं बता रहा हूँ भाई वही अकेला प्लेयर है जो लास्ट में संभाल सकता है बाकी सब धीरे खेलेंगे भाई प्लीज दुबे जी को ले चलो यार एज अ ऑलराउंडर मत खिलाओ पर एज अ बैट्समैन खिला लो भाई रिंकू सिंह टुडे भाई पहली बार देखा है मैंने रिंकू सिंह को ऐसा खेलते हुए बेचारे को बैट से कनेक्ट ही नहीं हो रही थी बॉल जब पता नहीं माही भाई को ज्यादा इज्जत दे रहे थे कि चलो माही भाई आपकी टीम है तो नहीं खेलते हम दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे व्हेन यू गेट मैरिड बट स्टिल मिस योर एक्स बाप डुप्लेसिस का कमेंट बाप भाई मिस कर रहे हैं भाई उनका लग रहा है ये कहां फंस गया भाई मैं इस टीम में वैसे तो नंबर 8 पर आता है पर मुझे देख के आज नंबर 4 पे आ गया धोनी भाई फिर से विनिंग मोमेंट दिखाना चाह रहे थे कि देखा फिर से विनिंग रन तो मैंने ही मारे फिर आज की वीडियो के लिए इतना बाकी से दबाई मचाते रहो सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना।